गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, जो मुझे पेन और कलर फलर और स्केल भी लेकर आना है, तो इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर। और पापा जी भी जाएंगे एक ग्लास टंकी लेने, जो टंकी रखी थी मैंने दिखाई थी, क्योंकि वो आलू में लगानी है दवाई जो आल है वो है, तो फिर इसीलिए पापा जी आएंगे गिलास। तो इसीलिए मैंने कहा मैं भी चलता, आज मुझको भी पेन लेकर आनी है तो दुकान से, तो फिर मैं भी जा रहा हूँ दुकान पर। सौरभ रिया में होगी लड़ाई, क्योंकि सौरभ पहले मना कर रहा था ट्विन वंडर वीडियो बनाने के लिए, तो फिर रिया तो पता नहीं जबरदस्ती ले गई उसको। तो मैं चलता हूँ दुकान पर। सौरभ और पापा जी आए थे ऐसे, तो दोनों में लड़ाई बाज रही थी, कह रही थी, मैंने कहा था ये रिया साइकिल से जाने की नहीं कह रही, मोटरसाइकिल से जाने की कह रही, क्योंकि साइकिल थी उसकी बेइज्जती सी हो जाती है भाई, यूँ कह रही लग रही थी। मैं केवीआर कह दिया मैं साइकिल से छोड़कर आ चुका हूँ तो रिया से, तो फिर वो पहली तोड़ जाती थी, क्या भाई साइकिल से भी बेइज्जती है किसी की, देख लो। मैं तो पता एक लास्ट तक जाता हूँ साइकिल से, कोई तो उसे कुछ कहता नहीं है। कोई यहाँ पर है ना एक छोटा बच्चा है ना, स्कूटी चला रहा था, बहुत छोटा था, फिर गिर गया था भाई। उस पर चाबी घुमाकर उसने है ना क्या किया, वो रेस देने का होता नहीं वो कर दिया उसने, फिर गिर गया भाई। मैं उसकी दादी ने उठाया, फिर वो मैंने स्कूटी उठाई थी। तो मम्मा तो इस साल बिल्कुल भी नहीं जा, जो ठंड पड़ी थी वो भी बिल्कुल नहीं पड़ी इस साल, पिछली साल बम्मा भी चलाता और ठंड भी पड़ी थी। और ये तो हाल है, तो कट गई बेकार हुई, जर गई सब, कट के डर गई, कटी है कि जल चुकी है, कटी नहीं है। तो ये सबसे पहले बेवेदे और सबसे पहले खुदेंगे, यही इस खेत के सबसे जल्दी बेबते हैं और खुदते हैं, और बाजरे भी इसमें सबसे पहले होते हैं, मैंने देखा इसी में होते हैं आसपास जो हमारे गांव है इसी में होते हैं खेत में। तो गेहूं भी बड़े होते जा रहे हैं, तो अप्रैल में कटेंगे ये तो एक महीने बाद। और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो कल गए थे दादाजी और आसपास के मोहल्ले के गए थे, बड़े बूढ़े गए थे और दादाजी गए थे हमारे, तो ये गए थे इस महीने बैठे थे धंधीधर पर। और फिर कल भंडारा भी हुआ था हलुआ गोलुआ का, हलुआ का, तो पापा जी लेकर आए थे गोले और गोले देते हलवाई को दे दिए, फिर उसने बनाए, फिर हमारे गांव का इससे वो उन्हें बांटने था, कल बता रहे थे पापा जी आकर। धंधीधर के जो पीपल के पेड़ हैं और बाकी पेड़ हैं उनमें है ना चमकाता लटकी होती है काफी, मैंने देखी है ची ची करती है इधर भी, इधर ये कॉलेज है इसके ऊपर ज्यादा लटकी होती है, यहाँ तरुआ के पेड़ है ऊंचे ऊंचे और बहुत बड़ी बड़ी लटकी होती है। और रिया में लड़ाई थी वो हो चुकी है बंद, दोनों तो आराम से जा रहे हैं, बंद हो गया तो लड़ाई। और देखो फिर अब मुझे निकालनी थी अपने लिए पेन और स्केल, और पहले पेन लेता हूँ। दो मैन लिए हैं, एक वेन की पेन और डोम्स की पेन, क्योंकि मुझे डोम्स की पेन चलाना बहुत ही अच्छा लगता है और सस्ती भी है, तो इसीलिए तो मेन भी मैं कभी कभी चला लेता हूँ। और मैंने लिया ब्रूस रिया पर है वॉटर कलर, तो इसीलिए रिया पर से ले लूंगा मैं, तो स्कूल तो इतना बड़ा है उसी से काम चल जाए। अभी पापा जी कॉल आई थी कि जो 5 वाले और 10 वाले वो है ना स्केल वो रखने हैं सामने, इस पर रखने हैं, तो इसको रखते हैं इधर ही है स्केल, तो मैं रख दिए वहाँ पर 10 वाले और 5 वाली स्किल। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं, आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।